Haryana chief of the Indian National Lok Dal, Nafe Singh Rathee, he was shot dead on Sunday evening by unidentified gunmen who ambushed his SUV in Jhajjar district. Another party leader, Jai Kishan, who was travelling with him, also died, and there were two others who have been critically injured. Now, Rathee and his associates were inside the vehicle when men who came in a Hyundai i10 opened fire. The attackers fled the scene, and the injured were then taken to the hospital. However, the former MLA was declared dead on arrival. बना लिए हैं अपनी और वो कार्रवाई में लगी हुई हैं और दो डीएसपीज जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं और शीघ्र हम इनको ट्रेस करेंगे जो भी इसमें हमला करने वाले हैं उनको। ये जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर तो उस पर उनकी गाड़ी आके रुकी है और उसके बाद एक दूसरी गाड़ी जो है वहाँ पर आई है और उसने फायरिंग की। अभी तक जो आया है कि 4 हमलावरों का पता चला है, बाकी आगे भी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है तो जो भी और भी होंगे तो उनको भी अरेस्ट किया जाए। We have Mukesh Singh joining us to get us more on this. Mukesh, any word on the people involved? And from what we are hearing is his colleague has claimed that he, was anticipating an attack, which is why he sought security. देखिए, जिन लोगों ने हत्या की है उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पूरा हत्याकांड कैसे हुआ ये मैं आपको समझाता हूं। यहां पर मैं जहां खड़ा हूं ये बहादुरगढ़ के बाहर बरही रेलवे क्रॉसिंग है और जो नफे सिंह थे वो बरही गाँव से यानी इस तरफ से अपनी कार में सवार होकर आ रहे थे और यहाँ से वो बहादुरगढ़ की तरफ अपने घर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी यहाँ पर रुकी, जहाँ पर ये शीशे पड़े हैं यहाँ पर उनकी गाड़ी रुकी, पीछे से I-20 कार में 4 शूटर आते हैं और वो निकलकर नफे सिंह को कई गोलियां मारते हैं और यहाँ पर गोली चलाने के बाद वो वापस अपनी गाड़ी से यूटर्न लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। उनकी गाड़ी यहाँ पर इसलिए रुकी थी क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे फाटक है वो उसमें बंद हो गया था और इसी का फायदा शूटरों ने उठाया कि जैसे ही फाटक बंद हुआ वो अपनी कार से उतरे और नफे सिंह को ताबड़तोड़ गोलियां मारी। इस पूरी घटना में नफे सिंह की मौत हो गई है, उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जय किशन दलाल उनकी मौत हो गई है, उनका गनमैन घायल है और जो उनकी बहन का लड़का है जो उनकी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था वो भी इसमें घायल है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड को किसी प्रोफेशनल गैंग ने अंजाम दिया है और इसीलिए पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक हमलावरों के बारे में कोई सुराग नहीं लग सका है। Right, thank you so much, Mukesh Singh Sengar, for getting us all those details, reporting there from Jhajjar.